सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मिलन, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल पर। आज मैं इस वीडियो पर आपको बताऊंगा ऑल हिलाल डिजिटल क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या क्या फायदा मिलेगा आपको इस क्रेडिट कार्ड की तरफ से। और आपको यहाँ पर तीन क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है, तीनों का अपना अपना फायदा है, अपना अपना बेनिफिट्स है, ठीक है। तो आपको मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा तीनों का, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, कितना सैलरी चाहिए। तो वीडियो को इन तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं तो, एंड वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर दो अकाउंट है, एक करेंट अकाउंट है जिसमें 7 दिरहम है, एक में 2000 दिरहम है, ठीक है। तो आपके पास अकाउंट होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑल हिलाल डिजिटल का क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई भी बैंक का अकाउंट हो, जैसे कि इमरेट्स NBD, LIB, ADCB, दुबई इस्लामिक बैंक, कोई भी बैंक का अकाउंट है आपके पास और उस बैंक में आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं, तो आप ऑल हिलाल डिजिटल का क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल हिलाल डिजिटल का में सबसे बेस्ट, सबसे फायदा वाला जो बेनिफिट्स जो है मेरे हिसाब से, कैश विड्रॉवल का, ठीक है। जैसे कि दूसरा बैंक इमरेट्स NBD, ADCB वगैरह आपको कैश विड्रॉवल करने पर बहुत ही हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे आप शॉपिंग के लिए उतना नहीं करता, लेकिन जैसे आप कैश विड्रॉवल ATM से करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ता है दूसरा बैंक में। लेकिन ऑल हिलाल डिजिटल में आपको 55 डेज तक आपको फ्री में, मतलब जितना भी आपका क्रेडिट लिमिट हो, जैसे कि मान लो आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया जिसका क्रेडिट लिमिट है 10,000 दिरहम, ठीक है। जैसे आप कोई भी ATM से आप 10,000 दिरहम का विड्रॉवल करेंगे और आप 55 डेज के अंदर अंदर पे बैक करेंगे, तो आपको 0 दिरहम, जीरो, बिल्कुल 1 दिरहम भी नहीं आपको फीस चार्ज नहीं होगा। ये फीचर है ऑल हिलाल डिजिटल में, ठीक है। तो उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोन वगैरह चाहिए या फिर आपको पैसा का ज़रूरत होता है कभी कभी, मतलब फ्रीक्वेंटली, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आप इमरेट्स NBD, ADCB वगैरह चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैश विड्रॉवल के लिए चाहिए, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि छोटा समय के लिए आपको लोन चाहिए, तो आप इस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑल हिलाल डिजिटल का एक बेस्ट फीचर मुझे लगा है, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगा है। दूसरा वगैरह, मतलब शॉपिंग वगैरह के लिए आप लेना चाहते हैं तो इसका शॉपिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑल हिलाल डिजिटल का नून में नहीं चलता, amazon.com में नहीं चलता, SaurabhDigi में नहीं चलता। तो आप क्या ही करेंगे शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड को लेके इस बैंक का। लेकिन कैश विड्रॉवल के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, एक ऑल हिलाल कैशबैक क्रेडिट कार्ड और दूसरा है ऑल हिलाल इन्फिनिट मिलेगा, गेस्ट इन्फिनिट मिलेगा, यहाँ पर इन्फिनिट आना चाहिए था, हाँ, इतियाद गेस्ट इन्फिनिट मिलेगा, तीसरा है जो है इतियाद गेस्ट सिग्नेचर, ठीक है। तीनों का अपना अपना सैलरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 5,000 है, लेकिन 5,000 सैलरी होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर कोई भी डिपॉजिट वगैरह पड़ा हुआ है दूसरा बैंक में, दूसरा बैंक का स्टेटमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका दोस्त ने आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था 5,000 या फिर 6,000 दिरहम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका सैलरी का प्रूफ वगैरह कुछ नहीं मांगता, बस IBAN चाहिए जो आपको स्टेटमेंट देखता है बैंक का, ठीक है। तो ये गेस्ट के लिए आपको 15,000 चाहिए इन्फिनिट के लिए, और इसके लिए सिग्नेचर के लिए 8,000 दिरहम। तो अपना अपना फ़ायदा है, तो आप सिंपली 5,000 वाला, ये फर्स्ट वाला अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। आपको 5% तक का कैशबैक भी मिलेगा, और अप्लाई करने के लिए आपको, अगर आपके पास ऑल हिलाल डिजिटल का अकाउंट है तो आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपका मेन अकाउंट है जिस पर आप
ट्रांजेक्शन करते हो उस पर ऐसे करके स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड पर जाकर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद सेव करने के बाद में यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर फिल करना है आपको सिंगल है, मैरिड है, जो भी है आपका। यहाँ पर आप हाई स्कूल कर सकते हो और डेट आप जो भी आप कंपनी में स्टार्ट काम करने का टाइम का स्टार्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ ना उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा बैंक का आईबीएन हो जिस पर यहाँ पर आईबीएन में जो डालना है, जहाँ पर आपका सैलरी और जो भी आपका बैंक मेन बैंक अकाउंट का आईबीएन डालना है, ठीक है। उसके बाद में बैंक नेम डालना है, आईबीएन डालने का ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद में एड्रेस डालना है होम कंट्री का और यहाँ पर कंटिन्यू करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी है अप्लाई करने के लिए और अप्रूवल भी बहुत ही जल्दी मिलेगा आपको। और इसका बेस्ट फीचर जो है मैंने बताया आपको, कैश विड्रॉवल का, ठीक है। तो लोन के लिए बहुत ही अच्छा है ये फीचर।